गयाना में इंग्लैंड की घनघोर बेइज्जती। हिंदुस्तान के सात हीरो ने अंग्रेजों को तोड़ा और अब अफ्रीका को फोड़ेंगे। इस बार इतिहास तो रचकर रहेंगे। साल 2013 के बाद से आईसीसी ट्रॉफीज का सूखा हिंदुस्तान में पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साल 2024 में ये सूखा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साल जिस तरीके से भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है वो शानदार है, वो जोरदार है, वो ताबड़तोड़ है। सामने कोई भी टीम हो, चाहे पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफगानिस्तान हो या इंग्लैंड हो, भारतीय टीम ने किसी भी प्रतिद्वंदी को, किसी भी अपोनेंट को कमजोर नहीं समझा और अपना पूरा दमखम लगाया। यही वजह है कि सेमीफाइनल में इंडियन टीम को एक तरफा जीत मिली। टॉस जीतने के बावजूद इंग्लैंड ने गेंदबाजी चुना। उनको लगा सामने उनके स्कोर होगा तो चेस करने में आसानी होगी। हालांकि हुआ कुछ और ही। रोहित शर्मा ने अपना ए प्लस प्लस गेम दिखाया। इतना शानदार प्रदर्शन किया कि उनको आउट करने में इंग्लैंड की गेंदबाजों की हालत खराब हो गई। रोहित को साथ मिला अपने मुंबई इंडियंस वाले साथियों का। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने कप्तान रोहित का जमकर साथ दिया, जिसकी बदौलत इंडियन टीम 170 के स्कोर को भी पार कर गई। हिंदुस्तान की पारी की वक्त बारिश भी हुई। बारिश होने के बाद ऐसा लगा कि अब एडवांटेज इंग्लैंड के पास है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी पारी में जब तेज गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे तब भी ऐसा लगा कि अब इंग्लैंड कहीं चमत्कार ना कर दे, एक बार फिर से हिंदुस्तान को 2022 की याद ना दिला दे। लेकिन जैसे ही बापू आए, बापू ने तब भी अंग्रेजों को देश से भगाया था और आज भी बापू ने इंडिया को फाइनल में पहुंचाया है। इंडियन टीम के सात हीरो कौन कौन रहे वो सबसे पहले आपको बताते हैं। टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो बने रोहित शर्मा। कप्तान रोहित शर्मा ने टफ कंडीशंस में शानदार बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने टीम को फ्रंट से लीड किया, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक बड़ा स्कोर बनाया। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी कैसी रही वो इस ग्राफिक्स को देखकर समझिए। रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से आए 6 चौके और 2 सिक्स। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 146.15 का था। रोहित के अलावा सूर्य कुमार यादव ने 47 रन की पारी खेली, वो भी सिर्फ 36 गेंदों पर। उनका स्ट्राइक रेट था 130.56। हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट था 176.92। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने भी अपने बल्ले से कमाल दिखाया। 9 गेंदों में 17 रन बनाए, 2 चौकों के साथ उनका स्ट्राइक रेट था 188.89 का। इसके अलावा असली हीरो गेंदबाजी में भी थे। गेंदबाजों की बात करें तो अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट झटके, तो वही कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए और 19 रन दिए। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो बुमराह ने 2.4 ओवर में मात्र 12 रन दिए और उन्होंने 2 विकेट झटके। टीम इंडिया इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में अलग अप्रोच के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। बल्लेबाजों के पास क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आप जाइए, इंटेंट दिखाइए, बड़े शॉट्स मारिए और वापस पवेलियन में आइए, और हर बल्लेबाज कर भी यही रहा है, जिसकी वजह से कुछ बल्लेबाजों का फॉर्म भले ही डिप हुआ है, भले ही उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे, लेकिन ये टीम एकजुट लग रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द यानी कि इस शनिवार को हिंदुस्तान एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगा।